क्लिफ्ट सेंटेंस का मतलब पहले देख लीजिए। ये बनाया गया था कि किसी सेंटेंस के पार्ट पर जोर देने के लिए। जोर देना मतलब क्या? एम्फेसाइज करना। लेट्स से अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कहता हूँ कि भाई चिंटू ने रीना को छेड़ा है, मैंने एक सेंटेंस बोला कि चिंटू ने रीना को छेड़ा है, तो हम कैसे बनाते हैं इसको? कैसे बना? चिंटू हैज़ या जो भी है, चिंटू हैज़ मोलेस्टेड रीना, या हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बोलेंगे? चिंटू मोलेस्टेड रीना, हम यही बोल सकते हैं। ये सेंटेंस सबको पता है, लेकिन अब मुझे चिंटू को बहुत हाईलाइट करना है, चिंटू पे इतना जोर देना है कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए चिंटू ही है वो, यहाँ पर ये रहा बेचारा चिंटू। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई चिंटू ने रीना को छेड़ा है, तो चिंटू को मैंने ऐसे नॉर्मली एक नाम ले लिया, लेकिन मैं ऐसा करूँ कि भाई चिंटू ने छेड़ा है मेरे भाई, चिंटू पे फोकस कर, चिंटू, सबकी नज़र चिंटू पर, ओ माय गॉड, अच्छा चिंटू ने छेड़ा है, तो ये फोकस कराने के लिए क्लेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे फोकस कराएंगे? तो क्लेफ्ट जो है वो ज़्यादातर तीन शब्दों से फोकस करता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एम्फेसाइज करने वाले वर्ड्स, सबसे पहला वर्ड से इट से भी फोकस कर सकता है, दूसरा वर्ड है ये व्हाट से भी फोकस कर सकता है, और तीसरा है ये ऑल से फोकस कर सकता है। लेकिन व्हाट से क्या फोकस होगा, ऑल से क्या होगा और इट से क्या होगा, वही हमें देखना है। तो ये तीन तरीके से लोग फोकस कराते हैं, तो अब देखते हैं कैसे फोकस हम कराएंगे। तो अब मैंने इट लिखा, मैंने कहा भाई चिंटू, तो इट है तो इट अपने बगल में क्या लेगा, आर लेगा कि इज लेगा? इज लेगा। और अगर ये पास्ट टेंस होगा तो क्या लेगा? वाज लेगा। अब मुझे देखना है कि मुझे प्रेजेंट बनाना है कि पास्ट। अगर मैं कहता हूँ भाई चिंटू है, इट इज चिंटू, अब मुझे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, क्या लगेगा वो? हु। इट इज चिंटू हु। अब मैं चाहूँ तो पूरा प्रेजेंट परफेक्ट बोलूँ कि हु हैज मोलेस्टेड रीना। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई चिंटू, तो मैं वाज लगा रहा हूँ, इट वाज चिंटू हु मोलेस्टेड रीना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब जैसे मैं बोलूंगा ना कि इट इज चिंटू या इट वाज चिंटू, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने अलग से चिंटू को थोड़ा सा हाईलाइट किया, एक लाइट मार दिया इसके ऊपर, नहीं लग रहा है? देखो, तो क्लेफ्ट का मतलब ही होता है दरार, तोड़ देना, अलग कर देना, एक टुकड़ा निकाल लो भाई क्लेफ्ट, उस पर पूरा हाईलाइट मारो कि दूसरों की नज़र में आ जाए। तो जब आपका दिल करे तो लगा दीजिए क्लेफ्ट को अंग्रेजी बोलने में। जैसे मैं बोलूं कि भाई, एक सेंटेंस बोलूं कि रंजीत कडल्ड, ये वर्ड याद आ जाता है, तो रंजीत कडल्ड, डमरू, क्या बोलते हैं आप? डमरू बोलते हैं ना, डमरू, यस सर, रंजीत कडल डमरू, डमरू मान लीजिए किसी का नाम है। तो अब इसे नॉर्मल है कि भाई रंजीत ने डमरू को कडल किया, कडल मतलब पीछे से हक किया, गले लगाया, व्हाटएवर, लेकिन मैं रंजीत को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइट मारना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं अभी भी रंजीत मेरे सामने प्रेजेंट में है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज और अगर मैं पास्ट को स्टोरी टेलिंग करूं कि पता है कल रंजीत ने ना डमरू को कडल किया, तो मैं क्या बोलूं, इट वाज रंजीत कडल डमरू, कडल डमरू। रंजीत आप हो यहीं पर ऑफिस में? इस दिन ऑफिस, ओके ओके, ऑडियो ऑफ रखा कीजिए, फेयर इनफ। तो हम इट से अब और देखते हैं,
लेट्स से किसी ने बोला कि मैं चाहता हूं इट्स से एक दो आप सेंटेंस बना के देखो तो कुछ बन रहा है क्या. अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि लेट्स से कि मोनिका ने मेरे बेटे को डांटा, तो मैं क्या बोलूंगा? मोनिका इट इज मोनिका स्कॉल्डेड माय सन. स्कॉल्डेड कहता हूं इस पे इट वाज मोनिका हु स्कॉल्डेड माय सन. मोनिका हु स्कॉल्डेड माय सन. मोनिका हु स्कॉल्डेड माय सन. ओके तो इट से तो आप बना दोगे इट इज अफ्रोजा कॉल्ड मी फॉर डिनर. ओके तो इट इज इट इज अफरोजा हु इनवाइटेड मी टू डिनर. समझ में आ रहा है? इट इज रंजीत हु टॉर्चर्ड अफरोजा टाइमली टाइम टू टाइम. ठीक है, यानी कि इट वाला समझ में आ रहा है? अब अगर मुझे ऐसा बोला हो कि सुनो मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा और मैं चाहता हूँ क्लेफ्ट लगाऊं, नेगेटिव में क्लेफ्ट लगाऊं, मैं हिंदी लिखता हूँ इट इज नॉट माय सन. तुम्हारे बेटे इट वाज नॉट सन. नहीं पीटर इट वाज नॉट. तो होता है कि माय सन इट वाज नॉट माय सन. इट योर सन इट नॉर्मल इंग्लिश माय सन डिडंट बीट योर सन बट मैं क्लेफ्ट लगाऊंगा तो या तो इज लगाओ या वाज लगाओ. इट इज नॉट माय सन. इट्स नॉट माय सन. हु पास्ट की कहानी सुना रहे हैं तो इट वाज नॉट माय सन हु बीट योर सन. ये हो सकता है. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यार लेट्स से कि फरमान ने मुझे YouTube वीडियो बनाने के लिए कहा तो एक नॉर्मल इंग्लिश फरमान नॉर्मल इंग्लिश नॉर्मल फरमान टोल्ड मी फरमान टोल्ड मी फरमान आस्क्ड मी या एडवाइस भी हो सकता है. एडवाइस दिया होगा. एडवाइस्ड मी टू मेक YouTube वीडियो. अब मैं क्लेफ्ट लगाना चाह रहा हूं. मैं क्लेफ्ट कैसे लगाऊंगा? इट वाज फरमान who advised me to make videos. ओके तो ये तो चलो ये समझ में आ गया होगा इट वाला. अब मैं इसमें व्हाट वाला लगाता हूँ. व्हाट क्लेफ्ट सेंटेंस. आई एम इन हॉस्पिटल एवरीवन वॉच मी. टेक केयर ऑफ योर सासू माँ. सासू माँ ना? यस सर. यस सर. यस सर. ओके ओके चलिए व्हाट को देखते हैं. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है व्हाट वाला. जैसे मैंने बोला कि आई वांट सिक्स पैक्स. एक मैंने सिंपल सेंटेंस बोला कि मुझे भाई 6 बिस्किट चाहिए. ठीक है, बिस्किट मतलब पेट में जो निकलते हैं. आई वांट 6 पैक्स. मुझे 6 पैक्स चाहिए. तो यहाँ एक नॉर्मल इंग्लिश चल रही है कि हाँ भाई मेरे को चाहिए. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हाईलाइट करूँ कि जो मुझे चाहिए ना उस पर हाईलाइट लोगों का दिमाग ले आऊँ. तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा व्हाट. मैं बोलूँगा व्हाट आई नीड इज 6 पैक्स. कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. तरीका देखो क्या है. अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में. धीरे धीरे आएगा. यहाँ पर एक लड़का है. वो लड़का डायलॉग बोल रहा है कि भाई आई वांट सिक्स पैक्स.
वो नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई जो मुझे चाहिए ना वो सिक्स पैक्स है, तो वो पहले जो मुझे चाहिए को हाईलाइट करना चाह रहा है। तो ऐसे सोचेगा, व्हाट आई नीड इज सिक्स पैक्स। जैसे लेट्स से व्हाट आई नीड इज माय डॉटर्स हेल्थ। यस, व्हाट आई नीड इज माय डॉटर्स हेल्थ। ये तो जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट आई नीड, तो सारे लोगों का ना मतलब उसकी निगाहें हम पे आ जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान देने लगेगा, और तब हम लास्ट में रिवील करेंगे कि ये चाहिए मुझे। तो इसको क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। जैसे लेट्स से दैट ऐसा हो सकता है कि व्हाट ही वांट्स ओनली योर स्माइल। हो सकता है कि व्हाट ही वांट्स, फिर यहाँ पर इज लगा दो, व्हाट ही वांट्स इज, यहाँ लगा दो ओनली योर स्माइल है। यानी कि पहले नॉर्मल इंग्लिश देखो, नॉर्मल क्या है कि ही वांट्स ओनली योर स्माइल। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि व्हाट ही वांट्स इज ओनली योर स्माइल, ऐसे करके बोलेंगे। और सर वी कैन से व्हाट आई वांट इज टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यस, जैसे अगर मैं पहले नॉर्मल इंग्लिश बोलता हूँ कि आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर, जी मेरे मुंह से यही निकलता है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, व्हाट आई वांट टू बिकम इज अ एक्टर। शी टोल्ड यू अ लाई, इसका क्लेफ्ट कैसे होगा? What she told you was a lie. Like, she calls me impotent. मर्दों के लिए बहुत बड़ी गाली होती है impotent. She calls me impotent. अब इसका क्लेफ्ट कैसे होगा? What she calls me is impotent. ठीक है फिरोजा, किसी को गाली देना हो तो पकड़ लो ये वर्ड फिरोजा। पहले बोल तो ऐसा एक्सप्लेन करो ना, इम्पोर्टेंट क्या है, तभी तो इसको डिक्शनरी में देखना। अभी मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, ठीक है? आपके मुंह से अच्छा लगेगा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। और आपको कहना भी किसको है, आप रंजीत को ही बोलो के तभी तो रंजीत के लिए यूज करेंगे। या चलिए, तो व्हाट से भी हो रहा है, अब हम इसको एक ऑल से देखते हैं। चलिए ऑडियो ऑफ कीजिए, आपके यहाँ शोर हो रहा है। ऑल से देखिए, जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क इन अ मूवी, मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, यार मैं ना एक मूवी में काम करना चाहता हूँ। अब मान लो मूवी में काम करना ही मेरी सबसे बड़ी एक डिज़ायर है मेरा, कि बस मेरी जितनी डिज़ायर हो बस वो यही है कि मैं मूवी में काम करूँ। तो मैं फिर यहाँ पर क्लेफ्ट में ऑल लगाऊंगा, मैं यहाँ बोलूँगा ऑल आई वांट। अब मैं व्हाट नहीं बोलूँगा, ऑल आई वांट। अब यहाँ इज लगा दो, ऑल आई वांट इज, या तो टू लगा दो, टू वर्क इन अ मूवी। आप टू नहीं भी लगा सकते हो, कई लोग टू नहीं भी लगाते हैं, बट आप टू लगा भी सकते हो, दोनों अलाउड। ऑल आई वांट इज टू वर्क इन अ मूवी। कुछ समझ में आ रहा है मैं ऑल क्यों लगा रहा हूँ? यानी कि मेरी जो चाहत है ना,
मैं भी सारी चाहतों कह रहा हूँ कि जो भी मेरी चाहत है बस वही एक ही चाहत है, क्या है कि मूवी में काम करो, ऑल आई वॉन्ट. जैसे मैं बोलूँ ऑल आई वॉन्ट इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, यस, तो पहले कोई नॉर्मल बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. अब उसकी ये बहुत बड़ी चाहत है, तो अब इसको क्लेफ्ट में हाईलाइट कैसे करेगा, बोलेगा ऑल आई वॉन्ट इज टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. यस, ऑल आई वॉन्ट इज टू बी ड्राइव अ कार. ओके, फेयर एनफ. जैसे अगर मैं बोलता हूं यार शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय राहुल, तो ये इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, वो क्या चाहती है भाई, राहुल को तबाह करना चाहती है ना. अब मैं हाईलाइट कर दूं कि भाई उसकी जो कुल मिलाकर जो चाहत है ना वो एक ही चाहत है जी, राहुल को डिस्ट्रॉय करना, तो मैं क्या बोलूंगा, और राहुल, हम ऐसे बोलेंगे All I want to cuddle Afroza. I'm not listening properly. Lovely, lovely, lovely. I'm amazed, amazed hearing this. Okay, fine. Let's say that if I say that I want to be a successful person. अब मैं इसमें all लगा के कैसे बोलूँ? All I want is. इसको यहाँ तक तो बताना पड़ेगा ना, तब टू लगाओ. जैसे पत्नी पति से You tortured me. अब ये नॉर्मल फ्लैट लग रहा है, इसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं लग रहा है, तुमने मुझे टॉर्चर किया. अब क्लेफ्ट लगा के जब पत्नी क्लेफ्ट का तड़का जब मारेगी तो कैसे बोलेगी, ऑल यू डिड. अब क्या होगा, ऑल यू डिड कैसे होगा, ऑल यू डिड वॉज वॉज टॉर्चर्ड मी. या तो टू लगाओ या टू नहीं भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. All you did was to torture me. Sir, उस टाइम मैंने यही पूछा था, did was इकट्ठा क्यों आया? अच्छा अच्छा, तो आज जवाब मिला? Yes sir. Yes. तो ये जो did है, ये हम वो कह रहे हैं कि जो तुमने किया, और वो जो किया वो क्या था? वो बस मुझे टॉर्चर करना था और कुछ भी नहीं. तो this is clear. अच्छा, मैंने तब कहा भी था शायद आपको, क्लेफ्ट में सीखेंगे ऐसा? Yes sir, yes sir. Okay, हाँ याद आ गया. सर ये टू अगर नहीं रहेगा तो वॉज टॉर्चर्ड होगा या वॉज टॉर्चर होगा? बेस फॉर्म. ओके, इसके अंदर या तो बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव, दोनों में से कुछ भी अलाउड है. या तो बेस लगा दो या टू लगा दो, दोनों अलाउड है. सर डिड और वॉज एक साथ तो है, बट इसमें डिफरेंट क्या है या साथ में क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा. अभी करते हैं कि अगर डिड और वॉज एक साथ आ जाए तो ये जो डिड है, सबको पता है ना कि डू एक वर्ब होता है, डू मतलब करना होता है, सबको पता है? Yes, उसकी सेकंड फॉर्म. तो उसका वो सेकंड फॉर्म हो गया, तो डिड यानी कि वर्ब है, यानी कि किया, डिड मतलब किया. तो जो तुमने किया और वॉज मतलब कि वो क्या था, जो तुमने किया वो क्या था, वो बस मुझे टॉर्चर करना था और कुछ भी नहीं. और देखते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि ऑल यू डिड, जो भी तुमने किया वॉज, या तो टू लगाओ या नहीं भी लगा सकते, वॉज टू कजोल दैट गर्ल. तो इसका मतलब क्या है? जो भी तुमने किया उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किया. जो भी तुमने किया वो सिर्फ इम्प्रेस ही किया, करने के लिए कुछ नहीं किया. तुमने सिर्फ कजोल किया, कजोल के अलावा कुछ नहीं किया. मीन्स यू, इसको यूं समझ लो कि यू ओनली कजोल्ड दैट गर्ल.
तो एक तो एक नॉर्मल सेंटेंस, यू ओनली कजोल्ड दैट गर्ल. अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि तू ऑल यू डिड, जैसे मैंने बोला ऑल यू डिड, सबकी नज़र, अच्छा क्या किया अभी, क्या किया अभी, क्या किया, अब रिवील करेंगे. ऑल यू डिड वॉज टू कजोल दैट गर्ल, दैट्स इट. तो आप लड़ने में इसका क्लेफ्ट का बड़ा योगदान है. लड़ाई करो सामने वाले की, वाट लगाओ. सर सर इफ आई से ऑल ही डिड वाज टू फुलफिल हिज पेरेंट्स ड्रीम्स. बरोबर, सही पकड़े. तो मैं क्या कह रहा था कि पत्नी पति से कि तू जो भी प्रेजेंट में बोल रहा है, तू जो भी करता है वो सिर्फ मुझे ताने देता है और क्या करता है, तो कैसे होगा. All you do, present हो गया तो क्या हो जाएगा, do हो जाएगा. All you do is to taunt me. आप to नहीं भी लगा सकते हो, बार बार कहता हूँ. All you do is taunt me, या all you do is to taunt me. All Ranjit did was to disturbing in our class always. Disturb बोलो, disturbing नहीं. Disturb या. Yes sir, तो इसमें हम ing भी नहीं use करेंगे. नहीं कर सकते. वो जो भी बनाती हो बस बिरयानी ही तो होता है. अब ऑल शी मेक्स इज ओनली बिरयानी. हाँ बोल सकते, बिना टू के बोल सकते. लाइक ऑल ही डज इज डिस्टर्ब द क्लास. वो बेस फॉर्म में रहता है. आ रहा समझ में? थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आप लोगों से बात करते हैं. देखो इट क्लेफ्ट का पहले देखते, जैसे यहाँ पर एक ओरिजिनल सेंटेंस लिखा होगा और फिर यहाँ पर इसको क्लेफ्ट में कन्वर्ट किया है. तो ओरिजिनल पढ़ो क्या लिखा है. शी फाउंड द मिसिंग कीज, मतलब उसे एक खोया हुआ चाबी, मतलब खोया हुआ चाबी मिल गया. अब क्लेफ्ट में हाईलाइट कैसे कर रहा है देखो. इट वॉज द मिसिंग की दैट शी फाउंड. अब बताओ क्या समझ में आया, किसको हाईलाइट किया. अच्छा इसी को अगर मैं चाहूँ तो व्हाट्स भी बना सकता हूँ. कोई बता सकता है व्हाट्स यही सेंटेंस बन सकता है कैसे. What she found was the missing keys. Yes. तो इसको हम व्हाट्स भी बना सकते हैं और इट्स भी बना सकते हैं, दो तरीके. यहाँ देखो जॉन फिक्स्ड द ब्रोकन कंप्यूटर. हमने एक नॉर्मल सेंटेंस बोला, अब मैं इसको क्लेफ्ट कर रहा हूँ. तो देखो क्लेफ्ट में क्या है. It was the broken computer that John fixed. John fixed. एक मिनट कॉल आ रहा, आप लोग बातें करो. What you want is more time to argument with me. चलेगा, करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. इसको इसने चेंज किया है कि इट वॉज ऑन टाइम दैट दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट. ऐसे चेंज किया है. आप करते तो कैसे करते, व्हाट से भी बना सकते ना. व्हाट दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कैसे बनाओगे आप लोग. या व्हाट दे कम्प्लीटेड ऑन टाइम वॉज द प्रोजेक्ट, ऐसा भी हो सकता है. व्हाट दे कम्प्लीटेड ऑन टाइम वॉज द प्रोजेक्ट, ऐसा भी हो सकता है. इन्होंने बनाया कि इट वॉज ऑन टाइम दैट दे कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट. इन्होंने टाइम को सबसे पहले हाईलाइट किया. और देखिए ही मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी. अब इसमें हमें देखना है किसको मुझे हाईलाइट करना है. अगर सिग्निफिकेंट डिस्कवरी को पहले रखना है तो इट से पहले रख दे कि इट वॉज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दैट ही मेड.
अगर हमें वर्ड से दिखाना है कि व्हाट ही मेड और लास्ट में रिवील करना है तो व्हाट ही मेड वाज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी. वी विजिटेड द फेमस म्यूजियम. अब यहाँ क्या हम हाईलाइट कर सकते हैं, क्या हाईलाइट कर सकते हैं म्यूजियम को हाईलाइट करना है तो इट वाज द फेमस म्यूजियम वी विजिटेड. ये हो सकता है. यहाँ दैट की जगह वेयर भी लगा सकते हो जहाँ हम गए. सर हमने वेयर से यूज किया. सही वेयर लगा सकते. सर बट वी विजिटेड वाज द फेमस म्यूजियम. हाँ ये हो सकता है. But we visited. क्या विजिट किया? Was the famous museum. हो सकता है. इसके अलावा आप फिर देखो यहाँ पर. अब यहाँ पर what से ही बनाया गया, जैसे कि she needs more time to finish the assignment. तो अब she needs more time. तो इसमें क्या है कि what she needs है ना? What she needs is more time to finish the assignment. Yes. Yeah, you know, and this is the assignment. For that, he needs more time to finish. अगर आप it से बनाना चाहो तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, but मुझे लगता है what से सबसे अच्छा है ना? Yes, sir. What से best लग रहा है? देखिए, the team won the championship last year. अब इसका cleft कैसे किया है? Won the team. Won was the championship last year. यानी कि क्या हाईलाइट करना था? ये चैंपियनशिप को हाईलाइट करना था ना? या ये भी तो बन जाएगा. इट इज द टीम हु वन द चैंपियन. इट इज द चैंपियनशिप ऐसा बोलना पड़ेगा. एक मिनट, एक और कॉल आ रहा है. आप लोग बातें करो इस पर. बस दो मिनट और. देखिए यहाँ देखिए, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू कार. अब इसका क्लिफ्ट कैसे करेंगे? व्हाट से बनाएंगे तो कैसे होगा? सर सेवन का पहले डिस्कस कर लीजिए. द टीम वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर. So it was the championship that won by the team here. That the team won. Normal भी बना सकते हैं. और ये भी ठीक है सर. That won by the. तो फिर that was won by the team. Passive कर दो. हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है. सर which भी लग सकता है सर. Which भी लग सकता है. But what मत लगा देना. बीच में what मत लगा देना. बीच में या तो that लगाओ या which लगाओ. ओके सर. ये अलाउड. तो हो गया द टीम वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर. अब जैसे कुछ लोग इसको इट से बनाना चाह रहे हैं, यही ना? यस सर. तो क्या हो जाएगा? इट वाज द चैंपियनशिप जैसे हाईलाइट करेंगे. फिर वहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन चलेगा, या तो दैट चलेगा या विच चलेगा, है ना? उसके बाद एक्टिव या पैसिव, या तो विच वॉज वॉन बाय द टीम. ऐसे कर सकते. अब आठवां करो. I want to buy a new car. तो what से तो बन गया कि what I want to buy is a new car. तेरा what I want to buy, जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो क्या है? एक नई कार है. क्या it से भी इसको बना सकते हैं? It is a new car that I want to buy. Yes. अगर मैं कहता हूँ कि it is a new car that I want to buy, तो बीच में मुझे एक relative pronoun का दीवार चाहिए. Yes. तो दैट या विच, अगर दैट किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो विच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. बट यहाँ बीच में व्हाट मत लगा देना, बस ये मैं कहना चाहता हूँ. अच्छा, दे फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो देखो व्हाट दे फाउंड वाज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इट से कैसे बनाओगे? इट वाज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. विच या दैट लगाओ? प्यारा लग रहा है आपको, है? ठीक है. तो that was found by them करना पड़ेगा. एक्टिव है तो that they found, simple. Yes. तो अब बताओ कि जब आपने क्लेफ्ट सोचा और अभी समझने के बाद थोड़ा क्लियर हुआ क्लेफ्ट क्या होता है? Yes, sir. थोड़ा सा टाइम लगेगा सर. डिफरेंट बट आई वाज टोटली ऑन दिस. दैट्स व्हाई आई डिडंट लिसन प्रॉपर्ली. यू आर प्रैक्टिस. कहने का मतलब है कि जब हम जैसे अचानक आप किसी को बोलोगे मैं क्लेफ्ट पढ़ रही हूँ, तो मैं कहता रहूँ कि 99% लोगों को पता ही नहीं क्लेफ्ट क्या होता है. सोचो
तो जिसको पता नहीं है और वो अगर क्लेफ्ट में सेंटेंस बना रहा है तो फिर सही जा रहा है ना, मतलब बेटर गया, यानी कि आप समझ गया। ठीक है, इट्स प्रैक्टिस। तो अब आप इस फाइल को मैं भेजता हूँ, ये वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप आराम से इस पे वर्क करो क्लेफ्ट पे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी भेज देना सर, प्रैक्टिस करें। कोशिश करूँगा इस पे। एक्चुअली वही, इसमें होता क्या है कि हमें नॉर्मल सेंटेंस देने पड़ते बनाने के लिए कि इसको चेंज करो क्लेफ्ट में। Yes. ऐसा कुछ